अध्याय 28। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भुई डोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्ग दूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेहरे से कहो वो मृतकों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थीं कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं।